हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हॉक्सी भाई चैनल से एक वीडियो, सिल्की सिंह रोस्ट अश्लील मॉम ऑफ सोशल मीडिया हॉक्सी भाई। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की उसी अश्लील मॉम के बारे में, जिसके बीते एक साल में उसके फॉलोअर्स की संख्या तो बदल गई, लेकिन इस बीच अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है भाई साहब इसकी हरकतें। सिल्की आंटी जी, तुम्हारे जीने की वजह कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे जीने की वजह मैं होता तो तुम्हारे इस हगू टैलेंट से दुनिया को बचाने के लिए जरूर किसी गंदे नाले में डूबकर अपनी जान दे देता। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला है, देव मानुष निकला। भाई साहब, ये दुनिया की पहली ऐसी शादी होगी जिसमें एक ठरकी बेटा अपनी ठरकी माँ से शादी करेगा, और इस लड़के का बेचारा सीधा सर चूतिया बाप अपनी ही बीबी की शादी अपने नालायक औलाद से करवाएगा, जिसके बाद जहाँ एक बेटे को अपनी माँ के पैर छूने चाहिए वहीं उसकी ठरकी औलाद अपनी ही माँ की टांगे उठाएगा, आई मीन अपनी ही माँ की टांगे पकड़ के पूरे फर्श पर घुमाएगा। ये इतनी भारी औरत, ये इसे उठा वीडियो बना के इन लोगों को लगता है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो बना दी है, जिसे देखकर लोग हंसी के मारे लोटपोट होने लगेंगे। लेकिन यकीन मानो भाई साहब, सिल्की आंटी की वीडियो देखने के बाद भले किसी के चेहरे पे हंसी ना आए, लेकिन सिल्की आंटी जैसी और भी सोच वाली आंटियां जब सिल्की आंटी जी को पूरे समाज के सामने सोशल मीडिया पे ये सब करते हुए देखते हैं तो भाई साहब उनके दिमाग में भी ठरक का कीड़ा जाग जाता है। बिस्किट खाया था फिर भी दिन अच्छा नहीं गया। ये मॉम एंड सन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने एक कहावत सुनी थी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो भैया ध्यान से देख लो इस औरत को, क्योंकि ये वही बिल्ली है। क्योंकि यार, अपनी पूरी वीडियो में हरकतें तो क्यूट कपल या फिर निब्बा निब्बी वाली है, लेकिन ये आंटी वीडियो में सारे कर्मकांड करने के बाद वीडियो के एक कोने में लिख देती है मॉम एंड सन। अरे सालो, किसी से तो डरो, अगर इंसान का डर नहीं है तो कम से कम भगवान से तो डरो। और सालो, वीडियो में ऐसी हरकत करते ही क्यों, जो लोग तुम लोगों को गलत ना समझने लगे, इसलिए हर वीडियो में लोगों को अपना रिलेशन का सर्टिफिकेट देना पड़े। देखो भाई साहब, कुछ चूतिया लोगों को इनकी वीडियो क्यूट लग सकती है, लेकिन मुझे तो इनकी ये वीडियो देख के सिर्फ एक ही वीडियो याद आ रही है, ये वाली जिसमें हमारे जॉर्डी भैया अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के साथ लकड़ी की काठी वाला गेम खेलते हैं। लकड़ी की काठी पे घूम हाथ धो गई। यार ये कैसे माँ बेटी, कैसे माँ बेटे हैं भाई। मतलब एक तो ये दूसरी वाली औरत, ये तो माँ लगी नहीं रही थी, मतलब माँ क्या, उसकी एज बहुत कम है शायद, पता नहीं, आई थिंक सो कि हाँ उसकी एज काफ़ी कम लग रही थी, शायद छोटी उम्र में शादी हो गई है ना, सो इस वजह से। लेकिन जो इससे पहले वाली थी वो सिल्की, भाई कैसी चुड़ैल सी औरत है सच में। मतलब सॉरी टू अब्यूज़ यार, बट मतलब लगता है, इन लोग को देख के लगता है ये क्या वीडियो है। ये माँ बेटा का रिलेशनशिप जो इतना पवित्र होता है, ठीक है, इतना साफ सुथरा सा होता है, माँ बेटे के साथ कितने प्यारे प्यारे वीडियोस बनते हैं, ठीक, माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो, चाहे जैसा भी रिश्ता हो, एक ममता वाला वीडियो हमेशा बनता है, देखते हैं हम लोग, ममता वाला रिलेशनशिप होता है। या ममता तो छोड़ो, ममता की हरकतें दिख रही हैं, मतलब हद है यार, क्या बना दिया है तुम्हें, कोई इन्हें कोई रत्ती भर भी इसे शर्म नहीं है कि हाँ ये माँ हैं, अपने बच्चे के साथ अगर ऐसी वीडियो डालेंगी, एक कमर को हग करने वाली, मतलब हग करते हैं बच्चे अपने माँ को, जब हग करते हैं तो वो कमर तक ही आते हैं, बट वो फील अलग होता है, देखने पे वो दिखता है कि हाँ वो माँ बच्चे वाला हग है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा हग है, वो तो हगने वाला हग है ना, पता नहीं क्या हो रहा है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और प्लीज़ यार ऐसी माँ बेटे वाली रिलेशनशिप से ना दूरी रहो तो ज़्यादा अच्छा है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।